जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के क्लास 11th के डीके गोयल सर की बुक से आईएससी बोर्ड के कोई 10 बेहतरीन से ऐसे क्वेश्चंस बता दो कि हमारा एग्जाम उन्हीं में से आए, या तो या फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाहर हमें एक भी क्वेश्चन नहीं करना पड़े। 10 बेहतरीन वाले क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको शुरुआत करनी है, स्पेसिफिक फंड या स्पेशल फंड। मतलब हमारे क्वेश्चन में प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, इस टाइप के अगर कोई फंड दिए, उससे रिलेटेड होने वाले एक्सपेंसेस या उससे रिलेटेड होने वाली इनकम उसी फंड में ऐड किए जाएंगे या उसी फंड से लेस किए जाएंगे। मतलब लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको, और वहां पर तो क्वेश्चन नंबर 2 इनफ है आपके, उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है। After that, question number 10 की तरफ जाएंगे, क्योंकि subscription, जो कि इसका main income का part होता है non-profit organization में, उससे related adjustment में बच्चे बड़े घबरा जाते हैं। मैंने छोटे बड़े सभी questions रखे हैं यहाँ पर। Question number 10 लगाना है, जहाँ 10 का part A और 10 का part B, दो ये MC, मतलब एक ही question के दो part enough है subscription को पूरी तरह समझाने के लिए। जो बच्चे statement बनाकर करना चाहते हैं, statement बनाकर कर सकते हैं, क्या चीजें ऐड होंगी, क्या चीजें लेस होंगी। अगर इनसे रिलेटेड कंफ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी ड्रॉप करूंगा, वहां आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर पूछ सकते हो। और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने 5-6 बना रखी है, 10-10 मिनट की, बहुत ही बेहतरीन, जिनके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने उनसे पढ़कर क्वेश्चन करे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 10, आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट चाहे तो अकाउंट बनाकर भी कर सकते हो, उससे भी आसान है, और अगर स्टेटमेंट फॉर्म से कर सकते हो तो भी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 लगाना है, जहां आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी होगी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों। ओपनिंग बनानी होती है हमारा कैपिटल फंड निकालने के लिए, और क्लोजिंग बनानी होती है हमारी एसेट लायबिलिटीज की पोजीशन जानने के लिए। बैलेंस शीट के प्रिंसिपल्स वैसे ही जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगते थे, मतलब फर्नीचर में से डेप माइनस हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग में से डेप लिया है तो माइनस हो जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड शो होगा। बस यहां पर आपकी जो सब्सक्रिप्शन की इनकम है वो अगर आउटस्टैंडिंग रह गई है, तो क्योंकि आउटस्टैंडिंग को सोचकर बच्चा सोचता है लायबिलिटी है, बट इनकम का आउटस्टैंडिंग दोस्त हमारा एसेट होता है, तो वो एसेट साइड ही शो की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 18 और लगाना है, जो कि एक ही क्वेश्चन में इतनी एडजस्टमेंट दी हुई है, एग्जाम में एज इट इज ये क्वेश्चन नहीं छपेगा, बट बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे कंफ्यूजन आपकी इन एडजस्टमेंट में से होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत जरूरी है लगाना। जहां रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट की जगह आपको कैशबुक दी हुई है, और कैशबुक से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद बेहतरीन वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कंज्यूमेबल आइटम्स, मतलब वहां ओपनिंग स्टॉक एड कब होता है, क्लोजिंग लेस होता है, एडवांस वाला पिछली साल का एड इस साल का लेस, आउटस्टैंडिंग इस साल का एड पिछली साल का लेस, ये सभी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 21 के जरिए मिल जाएंगी, और ऐसा क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का आपका एग्जाम में कई बार। ये 5 बेहतरीन क्वेश्चन से आप कंज्यूमेबल गुड्स, अपना सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना सीख गए। अभी 5 ऐसे बेहतरीन दूंगा जो कि एग्जाम में एज इट इज छप सकते हैं, या फिर मान लो यही वाले एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से आपको शुरुआत करनी है, जहां पर दोस्त कंप्लीट क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जाता है, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एडजस्टमेंट भी ज्यादा ना हो और सारी की सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाए, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से रिलेटेड, एडवांस एक्सपेंसेस से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, जो कॉमन एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन नंबर 24 से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद दो बेहतरीन वाले क्वेश्चन जो आपके एकदम बेहतरीन वाले, मतलब जिनमें एडजस्टमेंट तो ना के बराबर है, 2 या 3 है, बट इनकी कुछ छुपी हुई हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट के संग में परसेंटेज लगा हुआ है, या इंटरेस्ट के संग में परसेंटेज लगा हुआ है, या रेंट के बगैर में लिखा हुआ पेड फॉर 11th मंथ, या फिर बुक वैल्यू और सेल वैल्यू दी हुई है एसेट की, जिससे प्रॉफिट और लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जिनमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है पर डरावना हो जाता है और मैच नहीं होता है कई बार, क्वेश्चन नंबर 26 मार्क करेंगे दोस्त, जिसमें छोटे से 2 या 3 एडजस्टमेंट है बट कुछ हिडन एडजस्टमेंट क्वेश्चन के अंदर में है, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही है। और क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन 26 और 29 दोनों ही क्वेश्चन खास है आपके एग्जाम ओरिएंटेड 6 से 8 नंबर के लिए, एज वेल एज इनकी एडजस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है। इसके बाद आखिरी 2 बेहतरीन क्वेश्चन बचने हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मैंने स्पेसिफिक फंड वाला एक छोटा क्वेश्चन उठाया 3 नंबर का,
जैसे मैंने कंज्यूमेबल आइटम्स वाला उठाया, जैसे मैंने सब्सक्रिप्शन वाला उठाया, इसी तरह एक क्वेश्चन उठा लिया, क्वेश्चन नंबर 32, आपकी सैलरीज आपके एक्सपेंसेस को कितना और कब और कहाँ डेबिट करते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में शो करते हैं और प्रीपेड या एडवांस एसेट में शो करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या शो होगा और क्लोजिंग में क्या होगा, सिंगल क्वेश्चन 32 से आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और 32 के बाद एक आखिरी बेहतरीन कंप्लीट क्वेश्चन बचता है जिसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है, चैप्टर की समाप्ति भी यहाँ है और वीडियो के टॉप मोस्ट क्वेश्चन का भी एंडिंग यहीं पर होना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 40 के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि एनपीओ में कुछ बचा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट है। फिर भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है 7906786321, स्क्रीनशॉट भेजकर आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, समय रहते मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बता दो क्वेश्चंस ने रियल में हेल्प की है क्या आपकी।